नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंटरनेशनल वार्ड 2 की गामड़ी में हम पहुंचे हैं। इस जो एरिया देख रहे हैं ये है गामड़ी, और यहां पे भाजपा के पक्ष में जो वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी गए नूतन सैनी, और जो चेयरमैन पद की जो दावेदारी कर रही गए जो चेयरमैन प्रत्याशी गए मीनू, और समाज सेवी जो मदन सेठी गए उनके जो बेटे गए गौतम, वो भी इनके साथ आए अपनी पूरी टीम के साथ। और वो एक तरफ तो नूतन सैनी के लिए वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी मम्मी के लिए वोट मांग रहे हैं। गौतम से एक बार जान लेते हैं। गौतम, आप आ रहे हैं लगातार 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं, कैसा रुझान यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों के प्रति आ रही है? देख ही रहे हैं आप कितना प्यार मिल रहा है। तो आने वाली 19 तारीख को कमल का फूल ही खिलेगा, ऐसा मेरा हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि कमल के फूल को खिलाए। अभी जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन देख रहे हैं, कैसा उनमें जो देख रहे हैं आपके भाजपा के प्रति? हमारे भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़्यादा हर वार्ड में जा रहे हैं, और हमारे पार्षद बड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छा ही। तो आपकी ड्यूटी पूरी टीम की यही है? हाँ जी। कितने लोगों की ड्यूटी वार्ड में लगाई हुई है? सबकी ड्यूटी है जी, जितने भी। 2 दिन से आपको यहीं देख रहे हैं आप लोग, इनके साथ आ रहे हैं। हाँ जी। अपनी मम्मी के लिए वोट मांग रहे हैं? बिल्कुल मांग रहे हैं। अपनी मम्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे जनता को? बहुत अच्छा विकास कराएंगे, हमारा एक ही वो है कि विकास कराएंगे। थैंक यू। विकास कराएंगे इन्होंने कहा। नूतन सैनी से जान लेते हैं। नूतन, आप तो यहाँ के लोकल बासिंदे हैं। हाँ जी। किसानी से जुड़े हैं, खेती हाँ करते हैं, पढ़ाई के बाद आपका जो व्यवसाय रहा खेती रहा। हाँ, ऐसे में आप तो लोकल में गए, तो लोगों से जब मिल रहे हैं क्या प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की? लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है जी, बोल रहे हैं बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा। हाँ जी, फूल खिलेगा 19 तारीख को, पता चल जाएगा 22 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। दोनों के लिए वोट मांग रहे हैं जी? दोनों के लिए, चेयरमैन के लिए भी जी और अपने वार्ड के लिए जी। अच्छा, फूल का निशान जी। चेयरमैन के लिए भी और वार्ड में एमसी के चुनाव एमसी के लिए भी। हाँ जी। दोनों के लिए मांग रहे हैं। मीनू सेठी आती है और आप वार्ड के प्रत्याशी चुने जाते हैं, तो किस तरह से विकास करेंगे? पूरा विकास होगा जी, अपने वार्ड का भी, अपने पूरी हासी का भी जी। अगर चेयरमैन में मीनू सेठी जी आती है और वार्ड में पार्षद में मेरे को चुना जाता तो पूरे वार्ड का भी वो होगा जी विकास। सर जी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग बहुत खुश हैं, प्रभावित हैं, अच्छा प्यार आपके सामने मिल रहा है। सारे वार्ड में ड्यूटी लगी हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, हर वार्ड में लोग जा रहे हैं अपने पार्षद के लिए, और हमारी बहन मीनू सेठी जी इसके लिए वोट मांग रहे हैं जी। आपका बेटा, आपका बच्चा है नूतन सैनी, आपके वार्ड का है, तो ऐसे में सामने हरिराम खड़ा है, एक बहुत बड़ा कद हो गया, 3 बार पार्षद रह चुके हैं, ऐसे में नूतन को कहाँ देख रहे हैं, क्या इस बार आप नूतन को जिता के भेजेंगे? ऐसा है, लोगों का प्यार आप देख रहे हो, हरिराम को भी लोगों ने भी देखा है और नूतन सैनी को भी आप देख रहे हो जी। तो मेरी तो यही आशा है कि लोग वोट देंगे, और हमें लग रहा है कि हमारे को बहुत बढ़िया वो मिलेगा। अब की बार जिता के नूतन को नगर परिषद में भेजेंगे? हाँ जी भेजेंगे। तो आपके जो लोग हैं लोकल में उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करेंगे भाई, नया यंग लड़का है और इसको अपना एक वोट दे के, ऊपर का वोट भी हम बीजेपी के लिए मांग रहे हैं और छोटा भी जो नीचे वाला वोट भी इसके लिए मांग रहे हैं, और हम यही प्रार्थना करेंगे सभी भाइयों से भाई, जो ही नगर परिषद में चेयरमैन मीनू सेठी होगी, विनोद भ्याणा जी विधायक हैं, उनके प्रयास से 3 इंजन की सरकार बनेगी, नीचे पार्षद का इंजन हाँ जी मान लीजिए मीनू सेठी का लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, देश में मोदी हाँ जी, हाँ जी प्रधानमंत्री जी, हाँ जी चौथा इंजन लगेगा, तो लोग बहुत खुश हैं। और 5वां इंजन आपके वार्ड का पार्षद नूतन लगाएंगे। हाँ जी, 5वां इंजन जो मतलब पूरी रेल तैयार यहाँ पे आप लोगों की करने की स्कीम है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँसी में रेल चलेगी, रेल चलेगी जी, मोदी की रेल चलेगी, विधायक जी की या फिर मनोहर लाल खट्टर की, मनोहर लाल खट्टर की, आप देख रहे हो सबकी चलेगी जी, सबकी रेल चलेगी। देखिए ये लोग तो सवार हो चुके हैं भाजपा की रेल में, और नूतन सैनी की बात करें तो नूतन सैनी की जीत के यहाँ इन्होंने सीधे कयास लगा लिए हैं। अब देखना होगा आने वाली जो 22 तारीख है जब चुनावी नतीजे आएंगे, उस वक्त पे आखिर क्या नतीजा निकलता है। आप देखते रहिए एंटी नेशनल, मैं अनुराग सिंह।